नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी वैकेंसी कब आने वाली है, क्या बड़ी सूचना लेकर के आ रही है। सारी बातें इस वीडियो में करूँगा, तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें और अपनी तैयारी भी आप करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो है एबीपी न्यूज़ गंगा में जो है ये प्रकाशित हुआ है। यहाँ यूपी पुलिस की जो भर्ती है जो कि युवा उसकी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक चीज़ आई है। यहाँ पे 67,000 भर्तियाँ कर दी हैं, यानी 67,000 भर्तियाँ जो है होने वाली हैं। इसमें क्या क्या कौन कौन सी भर्तियाँ हैं यहाँ भी बात करूँगा मैं आपको। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल साइट इन्होंने दे रखी है कि आपकी 52,000 कॉन्स्टेबल की भर्ती जो थी वो अब जो है 67,000 हो गई है, यानी कि प्रक्रिया इसमें जो है अब जो है शुरू होने वाली है। आपको पता होगा रेडियो ऑपरेटर का जो है एग्ज़ाम जो है आ चुका है, और इन्होंने यहाँ पे 67,000 में बताया गया है कि आपका 52,699 जो सिपाही भर्ती हैं जिनमें आपका 2,469 उप निरीक्षक की भर्ती हैं, यहाँ पे उप निरीक्षक की भर्ती हैं, और 2,430 यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर की भर्ती हैं, और 927 यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हैं, 2,833 यहाँ पे जेल वार्डर समेत कुल 67,000 पद जो है प्रस्तावित किए हैं, जिसमें आपकी 12वीं आवेदन मांगा गया है कि 12वीं क्लास आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो फिजिकल टेस्ट 2018 के मुताबिक ही दिया है इन्होंने। जैसा आपका 25 मिनट में आपकी 4.8 किलोमीटर की जो यूपी पुलिस की दौड़ है उसी हिसाब से दिया है। लड़कियों की जो है फीमेल की दौड़ है वो भी सेम टू सेम रखी गई है, अभी इसमें कोई भी फेर बदलाव नहीं किया है। बात करते हैं आयु सीमा में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आयु सीमा में आ रही थी कि आयु सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में बात करता हूँ। देखिए अभी ऑफिशियल कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया बच्चों जो आयु सीमा में छूट होने की इन्होंने कुछ बात कही हो, क्योंकि यहाँ पर 18 से 22 साल इन्होंने दे रखी है। आपको पता होगा 18 से 22 साल और ओबीसी के लिए यहाँ पर जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 से 27 साल हो रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 2 साल की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बच्चों अभी फिलहाल इस नोटिस में कुछ नहीं है, ऐसा कोई नोटिस अभी जारी नहीं हुआ है कि आपको छूट मिल ही जाए। बच्चे वैसे उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि अब छूट मिल ही जाएगी, तो मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए क्योंकि SSC ने एक बार छूट दी है लॉकडाउन के हिसाब से, और आपको पता होगा कोविड की वजह से वहाँ पर छूट मिलती है, लेकिन यहाँ पर कोविड की वजह के बाद ये जो है पहली भर्ती आ रही है कोविड के बाद, तो यहाँ पे छूट मिलनी चाहिए, लगभग 2 वर्ष की छूट तो मिलनी चाहिए। और ये क्या होने वाला है इसमें क्या नहीं, ये तो नोटिस जब आ जाएगा तभी पता चलेगा बच्चों। तो अभी के लिए आपके लिए बता दूं मैं, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बच्चों तैयारी अपनी शुरू कर दीजिएगा। आपको ने देखा होगा रेडियो ऑपरेटर का जो टेस्ट था सब बच्चे कह रहे थे कि अभी नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हो गया और कंफर्म हो गया। आपको पता होगा लगभग 25 जनवरी के लगभग आपका जो है टेस्ट उसमें हो जाएगा, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और आपकी जो वैकेंसी कांस्टेबल और SI की हैं ये भी कंप्लीट हो गई हैं, और इसी के बाद इसके फॉर्म जो है निकल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल बहुत ही मन से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी को छोड़कर कुछ और चक्कर में लग रहे हैं, यानी कि वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं जब वैकेंसी आ जाएगी तभी हम पढ़ेंगे, तो आपका ये निर्णय बिल्कुल गलत है बच्चों। तो प्लीज़ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस साल तो कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखिए बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। ये अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी, धन्यवाद।